हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ओकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरी थर्ड वीडियो है गुप्त नवरात्रि रिचुअल पे, एंड अगर आपने वो पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें देखें, क्योंकि उनमें काफ़ी अच्छे अच्छे रिचुअल्स मैंने बताए हुए हैं जो आपकी बहुत जल्दी विशेष को फुलफिल करेंगे। गुप्त नवरात्रि का जो टाइम होता है, इस टाइम पे आप कुछ भी चीज़ करते हो वो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशंस होती है। तो इस टाइम पे तो आप प्लीज़ रिचुअल्स करें, आपको बहुत हेल्प होगी। तो बेसिकली आज मैं एक ऐसा मंत्र या फिर स्विच वर्ड कह सकते हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप इस स्विच वर्ड के साथ काम करते हो, बेसिकली दो स्विच वर्ड मैं आपको बताऊंगी, अगर आप इस टाइम पे इन स्विच वर्ड्स के साथ काम करना स्टार्ट करते हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो आप मैनिफेस्ट ना कर सकें। मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सी टेक्निक्स एंड रिचुअल्स शेयर किए हुए हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, आप उसको पिक कर लीजिए, उसको डेली करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सारे ही करने हैं, आप यू नो जो भी आपको समझ आता है उसे पिक कर लीजिए, उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये चीजें बहुत जरूरी है। एंड एक चीज, अगर आप इस टाइम पे कोई भी विश को मांगते हो, डेफिनेटली आपको ग्रांट की जाएगी। अगर हम बात करें इस टाइम पे क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी दो रिचुअल्स बताए हुए हैं गुप्त नवरात्रि के जो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपको वो तो समझ नहीं आता, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आप इस चीज को किसी भी विश के लिए कर सकते हैं, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। आपने एक नोटबुक या डायरी लेके आनी है, ठीक है। आप एक नोटबुक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने एक रेड कलर की शीट लेनी है, आपने उस शीट से उस डायरी या फिर उस नोटबुक को कवर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको चाहिए एक रेड पेन, ठीक है। यहाँ पे हम रेड पेन की, रेड एनर्जी का हम यूज करने वाले हैं। रेड क्या होता है, चीजों को जल्दी मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है। प्लस नवरात्रि का टाइम है तो आप ट्राई करें कि रेड कलर का यूज करें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं, बट रेड कलर इज मस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपकी जो भी विश है, ठीक है, आपने उसको लिखना है प्रेजेंट टेंस में। इट्स लाइक अ मंथ जर्नलिंग ओनली, बट यहाँ हम रेड कलर की एनर्जी को यूज करें जिससे हमें बेटर बेहतर रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपकी विश है आपने उसको ओपन लिखना है अपने नोटबुक के। थैंक यू सो मच माँ दुर्गा मुझे ये चीज, मेरी जो विश है इसे पूरा करने के लिए। आपने उनको एडवांस में थैंक यू बोलना है, ठीक है। आपने एक बार अपनी विश को ऊपर लिखना है, एंड मेक श्योर जो आप विश पहले दिन लिखेंगे वही सेम विश आपने सेकेंड डे थर्ड डे आगे भी लिखनी है, आपने कुछ चेंजेस उसमें नहीं करना है एफर्मेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 51 टाइम्स दुर्गा मैजिक बिगिन नाउ लिखना है, ठीक है। और आपने बोल बोल के चैंट करते करते उसको लिखना है। अगर आप जोर से नहीं बोल सकते, माइंड चैंटिंग करें, बट मेक श्योर आपका सारा का सारा ध्यान उसको लिखने में हो, ठीक है। यहां आगे थॉट्स ना आ रहे हो, ठीक है। आपने इसको डेली 45 डेज तक करना है। 45 डेज के बाद आपने इसको लेट गो कर देना है, ठीक है। बेसिकली आप इस टेक्निक को माँ दुर्गा जर्नलिंग भी बोल सकते हैं, या फिर रेड जर्नल, या फिर माँ दुर्गा जर्नल, जैसे आपको समझ आप इसे बोल सकते हैं। बट ये जो जर्नल है ये बहुत ही पावरफुल है, आपकी विश को मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। 45 डेज तक आपने इसको फॉलो करना है। बट यहाँ पे खास चीज ये है, अगर आप इसको गुप्त नवरात्रि से करना स्टार्ट करेंगे आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। बट मेक श्योर आप इसे गुप्त नवरात्रि के टाइम पे करना स्टार्ट करें। अगर आपका पॉसिबल नहीं है, आप इसे नॉर्मल नवरात्रि के टाइम पे भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, ऐसे कोई रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसे नवरात्रि के टाइम पे ही करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें इस टाइम पे करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। बट अगर पॉसिबल नहीं है आपका, आप इसे कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसे इस टाइम पे करना शुरू करते हैं आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे, बिकॉज इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है ये बहुत प्रीशियस है, ठीक है। आप नवरात्रि का टाइम ले लीजिए या फिर आप गुप्त नवरात्रि कह लीजिए, एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो डू ट्राई दिस, एंड जो भी आपकी विश है, इंटेंशन है, उसके डेस्परेट नहीं होना है। चीजें अपने आप होती हुई आपको दिखेंगी, आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है एंड चीजें होंगी, डेफिनेटली होंगी। तो डू ट्राई दिस एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो यप, आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।